सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हड्डी के लिए हमारे लिए विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी है और कहीं ना कहीं इसका जो स्रोत है वो एक धूप भी है। लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो घर पे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, फ़ोन में लगे रहते हैं, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं और विटामिन डी लेने का कोई और भी स्रोत है? देखिए, पहला तो ये है कि विटामिन डी एक फैट सोलबल विटामिन है। ए डी ई के, ये चार विटामिन फैट सोलबल विटामिन है। इसीलिए जब आप कोई घी लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा डी मिलता है, दैट्स वन। लेकिन जो ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन है डी, वो है स्किन और सनलाइट। जो धूप की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो एक केमिकल निकलता है, उसका नाम है कोले कैल्सीफेरॉल। ये विटामिन डी का सबसे प्राथमिक अवयव है। ये कोले कैल्सीफेरॉल खून के द्वारा हमारे लीवर में आता है और लीवर में आकर के इसका चेंज होता है और इसमें एक वन नाम का एक पार्ट लगता है जिसको हम बोलते हैं 25 डी हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल। ये 25 डी हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल ये खून के जरिए फिर किडनी में जाता है और किडनी उसको फिर हाइड्रोलाइज करता है और वो बनता है 125 डी हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल। जैसे कि घर में आप चावल खरीद के लाते हैं तो जब तक वो भात नहीं बनता आप खा नहीं सकते, ठीक उसी तरह से आपके शरीर में विटामिन डी हम दे भी दें तो विटामिन डी जब तक एक्टिव फॉर्म में 125 डी हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल नहीं बनेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। अब ये 125 डी हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल जो है तो खून के जरिए आंत में आ जाता है, आंत के दीवार में वो खड़ा रहता है और वो पुलिस कैसा खड़ा रहता है और जब हम कैल्शियम खाते हैं तो उसको पकड़ के अंदर ले जाता है। तो आप कैल्शियम तभी एब्जॉर्ब होगा जब गट के वाल में एक्टिव फॉर्म में विटामिन डी रहेगा। तो अगर विटामिन डी नहीं रहेगा एक्टिव फॉर्म में तो आप किलो के भाव से आप देखेंगे कि कैल्शियम खाइए वो खाना में निकल जाएगा। तो हमें विटामिन डी की मात्रा एक्टिव फॉर्म में, दैट इज 125 डी हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल के रूप में गट वाल में चाहिए। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसका बिगनिंग होता है सन रे से स्किन पर, दैट इज कोले कैल्सीफेरॉल। तो अगर हम धूप में ना जाएंगे तो ये पूरी प्रक्रिया ही शुरू नहीं होगी, इसलिए धूप में जाना मस्ट है। आजकल के बच्चे, मैं एक जुमला सुनाता हूँ सबको कि मेरे घर के बगल का मैदान खाली पड़ा है, लगता है मोबाइल ने बच्चों का गेंद चुरा लिया है। तो आज के समय में जब हम बाहर नहीं जाते हैं, धूप में नहीं जाते हैं, तो हमारे बच्चों को वो नहीं मिल पाता है। माँ अगर उसको विटामिन ये कहते हैं बॉर्नविटा खिला करके, उसको तरह तरह की दवाइयाँ दे के, हमारे डॉक्टर के यहाँ आ करके पुड़िया लेकर के चाहे विटामिन डी का गोली लेकर के अगर देती हैं तो वो सब नेचुरल नहीं होता है। और किसी भी चीज़ से नेचुरल चीज़ अगर नहीं देंगे तो उसका वैल्यू भी उतना अच्छा नहीं होता है, उसका भी उतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप धूप में जाएं, आप थोड़ा सा चर्बी ज़रूर लें। बहुत आदमी के दिमाग में घुसा हुआ है कि हम चर्बी नहीं खाएंगे हमको हार्ट डिजीज हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आपको थोड़ा सा चर्बी ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि चार विटामिन ऐसे हैं ए डी ई के जो चर्बी के साथ ही घुलता है और बी एन सी विटामिन वाटर सोलबल विटामिन है जो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स में फ्रेश जूस में मिलता है, वहाँ पर डी नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए सब सोचते समझते हुए हमारा यही कहते हैं युवा पीढ़ियों को या बच्चों को या महिलाओं को यही मेरा कहना है कि आप संतुलित आहार बाहर जा करके सुबह में जब आपके आँख के सामने धूप रहे, सूरज रहे, वो अल्ट्रावायलेट लाइट्स में मैक्सिमम विटामिन डी होता है। ये नहीं कि 12 बजे चले गए धूप में कि हम तो आधा घंटा आके बैठ के धूप है, सो नहीं होना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग जो धूप है जिसमें कि आपके आँख के सामने सूरज आती है, अगर चला गया यहाँ सूरज तो उसका वैल्यू नहीं है। तो इस लेवल पर जब सूरज रहे तो उस धूप को लीजिए और शरीर के भात को एक्सपोज कीजिए, ये नहीं कि पूरा ढक करके आप बैठे हुए हैं। अभी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ये जो हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं इसमें हम पाते हैं कि मुस्लिम महिलाओं का
जो काफ़ी ढक के अपने आप को रखती हैं, उनके विटामिन डी की बहुत कमी होती है और उनको परेशानी भी बहुत होती है, जिसके इलाज हम लोग करते रहते हैं। तो विटामिन डी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, और अब तो इतना रिसर्च हो रहा है कि विटामिन डी का कार्डियक मसल्स पर, हार्ट मसल्स पर, विटामिन डी का अलग दूसरे अंगों पर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो क्रोनिकली विटामिन डी से डेफिशिएंट रहते हैं, उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स सब में इजाफा है, और इससे बचने के लिए ये हमें विटामिन डी को रेगुलरली करना चाहिए। अब सुनिए, कितना लेना चाहिए विटामिन डी? तो नॉर्मली अगर जांच कराएंगे तो आप पाएंगे कि वो मिली नैनोग्राम में आता है, तो 30 तक कम है, यानी अगर 30 तक है आपको 30 मिलीग्राम तो वो कम है, 30 से 100 तक सफिशियंट है। लेकिन अगर आप बराबर खाते चले जा रहे हैं तो 100 से ऊपर होने पर टॉक्सिसिटी भी होती है, इसीलिए विटामिन डी को खाना ज़रूर चाहिए लेकिन रेगुलेट करिए और जांच करा के देख लीजिए कि 100 से ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि तब टॉक्सिसिटी भी होती है।